चैप्टर 11, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे हमारे समाज का कॉमन, कर्णप्रिय, रोज सुनने जाने वाला लोकप्रिय शब्द है। जब देखो तब हम कोई ना कोई बनावटीपन, चमक दमक, विरोधाभास, ढोंग, पाखंड, खोखलापन के पीछे इन शब्दों को सुनते आ रहे हैं। व्यक्ति लोग क्या कहेंगे के चक्कर में सामर्थ्य से अधिक खर्च करते हैं, तड़क भड़क में रसोई को मात कर देते हैं, लोक लाज की शर्म में अपना सब कुछ गिरवी रखकर शादी ब्याह जन्मदिन 13वीं करते हैं, जाए लाख रहे साख की धुन पर अचल संपत्ति गिरवी रख देते हैं, 10% प्रतिमाह ब्याज की दर पर साहूकारों, महाजनों के कर्ज लेते हैं और जिंदगी भर कर्ज अदा करते करते मर जाते हैं। विरासत में वारसानों के लिए पैतृक संपत्ति न छोड़कर पैतृक कर्ज छोड़कर जाते हैं। भले ही पड़ोस में गरीब भूखा मर जाए, लोग मृत्यु भोज, लोग क्या कहेंगे के चक्कर, सूचना क्रांति के इस दौर में कोई जरूरत नहीं समाज के परिचितों को बुलाकर खाना खिलाया के गुजरने की जानकारी हो जाए, लेकिन आज कर देते हैं। गाय बिना चारा मर जाए लेकिन मैं अवश्य कराते हैं जिसकी आज है। पहले व्यक्ति के मरने पर गांव जाता था ताकि लोगों को व्यक्ति यह काम अखबार वाले आसानी से आत्मशांति के लिए गंगा और गया है। 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर, गाय को चारा पानी देकर, गोधन दान करके इस कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन समाज, रिश्तेदार, नातेदार क्या कहेंगे, सब खिल्ले उड़ाएंगे। इसी कारण 80 के आमद में 90 का खर्च करते हैं। दकियानूसी, रूढ़िवादी, कट्टरपंथी विचारों के कारण लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम कहीं से कहीं रह जाते हैं। जिन लोगों को दिखाने काम करते हैं वही लोग कर्ज से लद जाने के बाद गाली बकते हैं और घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने, घर में नहीं राशन, सारे मोहल्ले को न्योता जैसे व्यंग्य बाणों से कोसते हैं। जो पहले पीठ थपथपाते थे वही बाद में पीछे पीछे गाली देते हैं। हमारे देश में शादी ब्याह में लोग क्या कहेंगे के चक्कर में कर्ज लेकर सामर्थ्य से अधिक खर्च किया जाता है। दहेज जानबूझकर दिया जाता है। विचार किया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लड़की को कुछ नहीं दिया, जैसे पैदा किया था वैसे ही डोली में बिठा दिया। इस चक्कर में शादी ब्याह घर बेचकर भी करते हैं, जबकि समाज में सामूहिक विवाह होते हैं। लोग उन्हें गरीबी की निशानी मानकर, लोक लाज शर्म के चक्कर में उन्हें ताक पर रखकर उनकी उपेक्षा करते हैं। लड़की जैसे ही बड़ी होती है उसे पैरों पर खड़े होने नहीं दिया जाता है, और कहीं घर से भाग गई तो लोग क्या कहेंगे कि कल्पना में उसका बाल विवाह, अनमेल विवाह कर दिया जाता है। लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम आज समाज में चकाचौंध देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का अंधेरा देखने लायक होता है। लोग बनावटी जिंदगी लोग क्या कहेंगे के चक्कर में जीते हैं और वास्तविक जिंदगी चमक दमक में गिरवी रख देते हैं। अपनी कमजोरियों, गलतियों को छिपाने को कृत्रिमता का सहारा लेते हैं और बनावटीपन का ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि गरीबी, बेकारी, बेईमानी, चोर बाजारी के जाल में फंसकर खुद को भूल जाते हैं। उनके आचार विचार, रहन सहन, बातचीत, चरित्र व्यवहार में बनावटीपन भर जाता है। मूल निर्मल, स्वच्छ छवि धूमिल हो जाती है। लोग क्या कहेंगे के चक्कर में लोग ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं और अपराधी बन जाते हैं। कल्पना की उड़ान भरते भरते धरती के रसातल में समा जाते हैं। कॉल गर्ल, बार गर्ल इसी बनावटीपन की देन है। भारी भीड़ में किसी विषय का ज्ञान न होने पर उस पर बोलना विद्वान कहलाने वालों की आदत होती है, लेकिन गाड़ी बहुत जल्दी पटरी से उतर जाती है और थोथा चना बाजे घना वाली बात साबित होती है। डींग हाँक कर कुछ लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन स्थायी छवि नहीं बनाई जा सकती है। हम पहनावे में भी लोग क्या कहेंगे के चक्कर में वही दिखावापन देखते हैं। कितने घरों में कपड़े के लिए बच्चे अनशन, भूख हड़ताल करते हैं। माँ पिता की, पिता माँ की चोरी के कपड़े बच्चों को दिलाकर लाते हैं। इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में लोगों की चाल ढाल बदल जाती है। लोग वास्तविक जिंदगी भूलकर बनावटी जिंदगी जीते हैं और बनावट की क्षण भंगुरता में ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितनी चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि लोग लाज शर्म से बचना चाहिए, नहीं तो अपनी लाज गवाई के घर घर मांगे भीख वाली बात होती है।